where their vast courts the mother's trumpets keep, and undisturbed by watch in silence sleep. Near these a nursery erect its head, where queens are formed and future heroes bred, where unfledged actors learn to laugh and cry, where infant punks their tender voices try, and little maximins the gods defy. ये लाइन्स हमने कर ली थी, मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ से. तो कहते हैं इन लाइन्स में ड्राइडन जो है एक पिक्चर पेंट हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं नर्सरी की. ऑल दो वी ऑल नो कि नर्सरी में जो है जो बच्चे होते हैं उनकी देख रेख करी जाती है, उन्हें रखा जाता है. एंड यहाँ पर जो ड्राइडन पिक्चर पेंट कर रहे हैं नर्सरी की, वहाँ पे वो हमें ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे, ब्रॉथल चाइल्ड जो हैं, वो सीख रहे हैं हाउ टू बी एक्टर्स, कि किस तरह से वो एक्ट कर सकते हैं, किस तरह से वो अपनी लाइफ में अर्न कर सकते हैं. और इन लाइन्स में जो ड्राइडन की जो टोन है, दैट इज़ आयरॉनिक, बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि हम पहली बार देख रहे हैं कि ब्रॉथल इज़ अ प्लेस, या प्रोस्टिट्यूट्स के जो बच्चे हैं वो जो है यहाँ सीख रहे हैं हाउ टू बी एक्टर्स. एंड यहाँ पे क्वींस और फ्यूचर हीरोज की बात करी जा रही है. तो फिर एक और बात वो करते हैं जब वो मैक्सिमिन का नाम लेते हैं और इंट्रोड्यूस कराते हैं कैरेक्टर को, जो उनके ड्रामा ट्राइनिक लव में जो 1670 में लिखा गया था, वो एक हीरो था. तो इसी तरह से वो अपने हीरो की बात करते हुए कि ऑल्दो आई प्रेजेंटेड अ सो गुड हीरो इन माई वर्क, और यहाँ देखो कि जो शैडवेल है वो कैसे हीरो की बात कर रहे हैं. वो ऐसे हीरोज और ऐसी हीरोइंस और ऐसे किंग्स एंड क्वींस की बात कर रहे हैं जो ब्रॉथल में पैदा हुए हैं और ब्रॉथल में सीख रहे हैं कि उनको किस तरह से अपनी लाइफ में आगे एक्ट करना. ये मैंने रिपीट करा दी है, अब आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से. Great Felcher never treads in buskin's hair, nor greater Johnson dares in socks appears, but gentle Simkin just reception finds amidst this monument of vanished minds. Pure clinches the suburban muse affords, and Banton waging harmless war with swords. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि Great Felcher never treads in buskin's hair. तो कह रहे हैं John Felcher जिनकी ये बात कर रहे हैं, हु इज़ नोन एज ग्रेट फेल्चर, वो 17th सेंचुरी के एक प्ले राइट थे जो ट्रेजडीज लिखा करते थे. एंड जो पुराना ग्रीक ट्रेडिशन है उसके अंदर जो बस्किन्स हैं वो एक तरह के बूट को बोला जाता है जो एक्टर्स पहनते हैं जब वो ट्रेजडीज परफॉर्म करते हैं स्टेज पे. देन कहते हैं कि Nor greater Johnson dare in socks appear. तो यहाँ पे जो जॉनसन की बात कर रहे हैं, वो बेन जॉनसन की बात कर रहे हैं जिसको हमने समरी में पहले डिस्कस किया था कि ही वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ फेल्चर. मतलब जिस टाइम पे जॉन फेल्चर अपने प्ले राइट, जो ये हम प्ले राइट की बात कर रहे हैं, जॉन फेल्चर जब ये ट्रेजडीज लिखते थे, उसी टाइम के राइटर बेन जॉनसन भी है. एंड बेन जॉनसन जो है वो शैडवेल के आइडियल थे. हमने पढ़ा था शुरुआत में कि बेन जॉनसन जो है शैडवेल के आइडल थे, और जो हमारे जॉन ड्राइडन है इनके कौन थे आइडल, किनकी राइटिंग्स को ये फॉलो करते थे? शेक्सपियर. शेक्सपियर. तो वही वो बता रहे बेन जॉनसन जो कंटेम्प्रेरी थे फेल्चर के, ही वाज आल्सो आइडल ऑफ शैडवेल. तो कह रहे कि वो प्लेराइट थे और बेस्ट नोन थे अपनी कॉमेडीज के लिए, जिन कॉमेडीज में स्टेज पे जो कैरेक्टर्स थे वो सॉक्स पहना करते थे. तो आगे कहते हैं बट जेंटल सिमकिन जस्ट रिसेप्शन फाइंड्स अमिड्स दिस मॉन्यूमेंट ऑफ वैनिश्ड माइंड्स. तो कह रही है सिमकिन जो है, दैट वाज अ ड्रामेटिक टर्म, या एक सिंपल टर्म, मतलब एक सिंपल टर्म या एक क्लाउन की बात कर रहे हैं. वेयर क्लिंचेस इज अनदर वर्ड फॉर पंच, ऑफ विच थॉमस पैंटर वॉज वेल नोन प्रैक्टिशनर. तो कह रही है कि जो सिमकिन है वो एक ड्रामेटिक टर्म है एक क्लाउन के लिए जो आप यूज करते हो. एंड अमिड्स दिस मॉन्यूमेंट ऑफ वैनिश्ड माइंड्स, मतलब इन सब चीज़ों के बीच में जो है ही इज सेइंग अस कि आप शैडविल की तरफ ध्यान दो कि जिनका माइंड बिल्कुल भी नहीं है और वो ऐसे वर्क्स प्रोड्यूस करते हैं.
फिर कहते हैं इन शॉर्ट स्पीकर यहाँ ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनकी जो ट्रेजेडीज और कॉमेडीज हैं, चाहे वो बेन जॉनसन की बात कर रहे हों जिनको शैडवेल अपना आइडल मानते हैं, या फिर वो शैडवेल की बात कर रहे हों, तो कह रहे हैं इनकी जो कॉमेडीज हैं, इनकी जो राइटिंग्स हैं, इनकी जो ट्रेजेडीज हैं, वो सिर्फ फूल्स मतलब बेवकूफ़ लोगों को समझ में आ सकती है। एंड ये इतना बेकार लिखते हैं कि दे वेज वॉर, मतलब ये लड़ाई करते हैं विद वर्ड्स, एंड ऐसी ही ऑडियंस को इनकी बातें समझ में आती है जो इनके जैसी ही है। टेक्नो एज अ प्लेस टू फेम वेल नोन एम्बिशियसली डिजाइंड हिज शैडवेल्स थ्रोन फॉर एंशियंट डेकर प्रोफाइस्ड लॉन्ग सिंस दैट इन हिज इन दिस पाइल शुड रेन अ माइटी प्रिंस बॉर्न फॉर हिज काउच ऑफ विट एंड अ फ्लेल ऑफ सेंस। तो इन लाइन्स में कह रहे हैं वॉट बेटर प्लेस शैडवेल टू रिसाइड देन हेयर दिस अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ टाउन डिवॉइड ऑफ गुड राइटर्स एंड कल्चर इट्स हेयर दैट फ्लेक्नो सेट अप शैडवेल्स न्यू थ्रोन। अब इस इन लाइन्स में कि हेयर फ्लेक्नो एज अ प्लेस टू फेम वेल नोन, तो कह रहे हैं कि वॉट बेटर प्लेस फॉर शैडवेल टू रिसाइड देन हेयर दिस अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ टाउन डिवॉइड ऑफ गुड राइटर्स एंड कल्चर। कह रहे ये जो टाउन है ये इसकी बदनसीबी है कि यहाँ पर गुड राइटर्स और कल्चर जो है फ्लरिश नहीं किया, एंड इससे अच्छी प्लेस शैडवेल को कहाँ मिलेगी रहने के लिए, फेम कमाने के लिए। तो यहाँ पे फ्लेक्नो जो है शैडवेल का जो न्यू थ्रोन सेटअप हो रहा था जिस पे वो बैठने जा रहे थे उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इन लोगों के बीच में आई होप कि शैडवेल को जो है वो फेम मिल जाए। थॉमस डेकर फॉर एंशियंट डेकर प्रोफाइज लॉन्ग सिंस, तो कह रहे थॉमस डेकर जो थे वो एक इल रिगार्डेड इंग्लिश राइटर थे जिनके कोई रिगार्ड्स नहीं किए जाते थे, एंड ये विक्टिम थे ऑफ बेन जॉनसन सटायर, मतलब जो बेन जॉनसन थे वो अपनी राइटिंग्स में सटायर करते थे थॉमस डेकर पे। एंड थॉमस डेकर को बोला गया है द पोएटेस्टर, मतलब वो जो बुरी राइटिंग्स थी, हमने पढ़ा था पोएटेस्टर्स वो होते हैं ऐसे पोएट्स जो बहुत बुरी राइटिंग्स लिखते हैं। अ प्रोफेसी फ्रॉम डेकर इन दिस सेंस इज हार्डली अ शाइनिंग एंडोर्समेंट थ्रू दिस एंटिसिपेटेड प्रिंस विदाउट विट और सेंस सीम्स टू परफेक्टली फिट द बिल। तो कह रही है कि एक डेकर से किसी प्रोफेसी को देखना इस सेंस में बड़ी डिफिकल्ट बात है कि एक ऐसे प्रिंस जो है बिना विट के बिना सेंस के जो पोएट्रीज लिखा करते थे वैसे ही शैडवेल है बिना विट के बिना किसी सेंस के, इनफैक्ट वो इस थ्रोन को परफेक्टली फिट होते हैं कि ये थ्रोन उन्हीं के लिए है। ड्राइडन इज राइट बैक एट बी लिटलिंग शैडवेल। बी लिटलिंग मीन्स जब आप किसी को बड़ी कम इम्पोर्टेंस देते हो, जब आप किसी को बहुत कम इम्पोर्टेंस का समझते हो, तो कह रहे ड्राइडन दोबारा से शैडवेल की जो है बात कर रहे हैं और कहते हैं प्रीवियस 20 लाइन्स हैव सर्व्ड टू सेट अप शैडवेल्स न्यू डोमेन। तो कह रहे जो पुरानी 20 लाइन्स थी उनमें शैडवेल की एक न्यू डोमेन सेटअप की गई क्या कि ही इज़ अ पर्सन ऑफ इल रिप्यूट एंड लैक ऑफ टेस्ट। तो कह रहे हैं कि जो शैडवेल है ना तो उनकी कोई रेपुटेशन है और ना ही उनका कोई टेस्ट है, बीट बी अबाउट लिटरेचर और पोएट्रीज और राइटिंग्स। तो कह रहे हैं नाउ शैडवेल इज़ अबाउट टू अज्यूम, तो कह रहे हैं इतनी बुराई करने के बाद कि उनके पास विट नहीं है सेंस नहीं है, ही इज़ द राइट पर्सन टू सिट ऑन दिस थ्रोन, एंड वो ये अज्यूम करते हैं कि शैडवेल परफेक्ट पर्सन है इस थ्रोन के लिए। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, तो जब ये पता चलता है कि शैडवेल जो है थ्रोन पे बैठने जा रहे हैं, तो ड्राइडन बोल रहे हैं कि ऐसे अनफॉर्चुनेट टाउन में जहाँ पे अच्छे राइटर्स और कल्चर नहीं है, इससे अच्छी प्लेस शैडवेल के लिए हो ही नहीं सकती कि वो यहाँ पर जो है वो सूटेबल है कि उनकी राइटिंग्स को हो सकता है कोई फेम मिल जाए। फिर थॉमस डेकर की बात करते हुए कहते हैं कि वो एक इल रिगार्डेड पोएट थे जो बहुत बुरी पोएट्रीज लिखते थे, एंड बेन जॉनसन ने भी उनके ऊपर सटायर कर रखा है। तो कह रहे हैं कि जो डेकर है वो इतने इल रिगार्डेड पोएट थे, उन्हीं की तरह से शैडवेल है हु वॉज एंटिसिपेटिंग कि हाँ मैं प्रिंस बनने वाला हूँ, बट प्रिंस तो बनने वाला है बट उसके पास कोई विट और सेंस नहीं है। एंड ड्राइडन दोबारा से जब शैडवेल की बेइज्जती करते हैं तो कहते हैं प्रीवियस 20 लाइंस में एक मूड सेटअप कर दिया था कि शैडवेल का एक न्यू डोमेन है कि ही इज़ अ पर्सन ऑफ इल रिप्यूट, मतलब उनकी कोई रेपुटेशन नहीं है, उनका कोई टेस्ट नहीं है वर्ड्स के लिए, तो इसलिए ही इज़ द करेक्ट पर्सन कि
वो थ्रोन को जो है एक्वायर कर ले और वो थ्रोन पे बैठ जाए। कह रहे इन लाइंस में शैडविल के तीन प्लेस की बात की गई है, फर्स्ट द माइजर, देन सेकंड द ह्यूमरिस्ट एंड थर्ड हिपोक्रेट। तो ये तीनों जो राइटिंग्स थी ये शैडविल की थी। एंड रेमंड जो बात कर रहे हैं होल रेमंड फैमिलीज एंड ट्राइब्स ऑफ ब्रूस, तो कह रहे रेमंड जो था एक कैरेक्टर था जो ह्यूमरिस्ट प्ले में था और ब्रूस कैरेक्टर था वर्चुओसो प्ले में। तो ड्राइडन इज टेकिंग शॉट, मतलब ड्राइडन जो है हर एक प्ले जो शैडविल ने लिखा है उसकी बात कर रहे हैं और हर उस प्ले को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसके अंदर शैडविल ने अपनी बुरी राइटिंग्स का इंट्रोडक्शन दिया। तो कह रहे हैं कि उनके ये जो ह्यूमरिस्ट हिपोक्रेट्स और ये जो कैरेक्टर्स की बात की गई है जिन्होंने फ्रेम किए हैं अपने प्लेस के अंदर, रेमंड हो या ब्रूस हो, तो कह रहे हैं कि इतनी बुरी तरह से प्रोड्यूस किए हैं कि शैडविल के पेन से हमेशा जो वर्ड्स वर्ड है जो मतलब वो वर्ड्स निकलते हैं जो वर्ड्स वो प्रोड्यूस करते हैं पेपर के ऊपर वो बिल्कुल बेकार वर्ड्स होते हैं, इतने डल वर्ड्स होते हैं कि उनके अंदर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। और यहाँ पे हमारी लाइंस 93 तक की समरी फिनिश हो जाती है।